साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि न्यायिक टीईटी संघ गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स और इनवैलिड का रिजल्ट जारी करने हेतु पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज कराने जा रही है। पिछले 6 मार्च को जो बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया है उसका अभी तक आंसर की जारी नहीं किया, इसी का वेट कर रहे हैं हम लोग कि आंसर की मिल जाने के बाद ड्राफ्टिंग कंप्लीट करते हुए 25 से 30 अप्रैल के बीच केस हाई कोर्ट में दर्ज किया जा सकता है। इसी बीच जो साथी केस में शामिल होना चाहते हैं और जो छूटे हुए हैं, जिनका रिजल्ट 2, 4, 5, 10 नंबरों से या कुछ नंबर से फेल कर गए हैं, जिनका रिजल्ट इनवैलिड में है, वो विचार विमर्श कर लें। अगर केस में शामिल होना है तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और अंक पत्र की फोटोकॉपी के साथ सहयोग राशि जो 7,500 रुपये रखी गई है उसको लेकर के पटना गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास अगले रविवार 15 अप्रैल को सुबह 9 बजे पहुंचना है। याद रहे, कैंडिडेट का आना जरूरी है क्योंकि उनको वकालतनामा पे सिग्नेचर करना होगा, वही सिग्नेचर जो उन्होंने एडमिट कार्ड पे किया हुआ है। साथियों, अब आप मुझे अपने से फेसबुक पे भी जोड़ सकते हैं, अशोक क्रांति BTET के नाम से सर्च करके। मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है 9470255684। धन्यवाद।